जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आवाज को अमेर है, आवाज को अमेर है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज विभाग के लगभग 4700 एम्प्लॉयज, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट, जेईज, सेक्रेटरीज, ये लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं। आज मैं चौंतरा में सभी इन कर्मचारियों से रूबरू हो रहा हूँ। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3-टायर सिस्टम है। पंचायती राज एक्ट के तहत पंचायत प्रधान, बीडीसी और जिला परिषद। लॉजिकली हम देखें तो आज जो ये युवा साथी, कर्मचारी साथी स्ट्राइक में बैठे हैं, तो बिल्कुल इनकी डिमांड जायज है। आज जो बीडीसी के तहत और जो पंचायत में जो प्रधान हैं, वहाँ पे जो कुछ कर्मचारी हैं वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के तहत काम कर रहे हैं, और जिला परिषद कैडर के तहत जो कर्मचारी ये काम कर रहे हैं उनको 6वां वेतन आयोग नहीं मिल रहा है, 5वां वेतन आयोग मिल गया। लॉजिकली, लीगली जो बिल्कुल गलत है कि 5वां वेतन आयोग आप दे रहे हैं, 6वां वेतन आयोग इनको नहीं दे रहे हैं। उसके बाद पंचायती राज विभाग के तहत जो सेक्रेटरी काम कर रहा है वो भी वही उन्हीं पंचायतों में काम कर रहे हैं, और इन लोगों की ट्रांसफर्स भी उन्हीं पंचायतों में की जा रही है, चाहे वो सेक्रेटरीज हैं, चाहे वो जेईज हैं, चाहे वो एसडीओज हैं। तो ये सरकार को ये संज्ञान में लाना चाहिए, बजाय के सरकार को इनको नोटिस देने के। आज अभी मैं ये देख रहा हूँ, ये नोटिस पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल असंवैधानिक है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है जो हमारे संविधान में प्रोविजन है। क्योंकि आप एक ही ब्लॉक के अंदर एक ही काम करने वालों को, सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं, टेक्निकल असिस्टेंट हैं, जेईज हैं, वो टेक्निकल असेसमेंट्स कर रहे हैं, उनको आप अलग अलग नजरिए से नहीं देख सकते। इट इज टोटली डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दिस एम्प्लॉयज, और इन एम्प्लॉयज को भी पंचायती राज विभाग के तहत जो है लाना चाहिए, क्योंकि सबका परिवार है, सबके बच्चे हैं। अगर एक नेता एक दिन भी अगर वो इलेक्ट होता है तो उसको पेंशन है। आज ये सब चीज़ें, क्योंकि अब नया युग है, नया जमाना है और नया यूथ है, सब पढ़े लिखे हैं, सब अपने राइट को जानते हैं। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है कि बजाय के इनको सजा देने के, डराने के, धमकाने के, नोटिस देने के, आप इस पे संज्ञान लें, क्योंकि ये बिल्कुल जायज डिमांड है। आप अपने लीगल एक्सपर्ट्स को बैठाइए, आपने जो एडिशनल और एडवोकेट जनरल्स हैं उनसे आप राय लीजिए। तो